पटना के गांधी मैदान के सामने सफ़ेद द्वार और बगल में ज्ञान भवन है, उसी के किनारे गया है रोड, उसी के साथ हम जा रहे हैं सफ़ेद द्वार की ओर। तो मेरे साथ बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वर्तमान 4 बजा है और मैं जा रहा हूँ सभ्यता द्वार। तो आपको ले चलते हैं पटना का ये नया सभ्यता द्वार आपको दिखाने। तो मेरे साथ बने रहे, आगे हम बढ़ते हैं। तो हम सभ्यता द्वार की ओर जा रहे हैं। देखिए, शानदार गार्डन बना है गंगा नदी किनारे। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा है जो मैं ले चल रहा हूँ आपको। देखिए, शाम के समय भीड़ भाड़ रहता है ये देखने के लिए। और मेरे सामने दिखाई दे रहा है ये सभ्यता द्वार जो गंगा नदी किनारे बना हुआ है, जो शानदार लग रहा है। सफेद द्वार शानदार गार्डन के पर बनाया गया है, आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगा। मैं पहुंच गया हूं सभ्यता द्वार की ओर। ये देखिए। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग्स। अभी मैं पहुंचा हूं पटना का सभ्यता द्वार और आपको दिखा रहे हैं इस सभ्यता द्वार जो मौर्य कालीन एक वास्तुकला से निर्मित, अभी रिसेंटली बनाया गया है और उसको आज हम ब्लॉग में आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं, इसके सामने है ज्ञान भवन। ले चलते हैं अंदर, आपको दिखा रहे हैं। ये मार्बल का बना हुआ, रेड मार्बल और ग्रे मार्बल। अब देख रहे हैं इसका आगे के ऊपर। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी, लोग आते सेल्फी उठाते हैं। और यहाँ बगल में सभ्यता द्वार को सिविलाइजेशन गेट भी बोला जाता है। सभ्यता द्वार को मौर्य शैली वास्तुकला के साथ बनाया गया है, जिसे बिहार राज्य के पाटलिपुत्र और परंपराओं संस्कृति की प्राचीन महिमा दिखाने का उद्देश्य से ये बनाया गया था। सभ्यता द्वार पर बिहार के जुड़े 4 महापुरुषों के संदेशों को लिखा गया है, जिनमें महात्मा बुद्ध, जैन तीर्थंकर भगवान महावीर, सम्राट अशोक एवं मेगास्थेनिस है, जिससे ये पर्यटकों को आकर्षण करती है। सभ्यता द्वार 20 मई 2018 को उद्घाटन हुआ था। इसकी ऊंचाई 32 मीटर यानी 105 फीट है, जो गेट ऑफ इंडिया से भी 6 मीटर ऊंचा बनाता है। इसे 5 करोड़ की लागत से बनाया गया था। इस सभ्यता द्वार को बनाने का आइडिया जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड गवर्नर श्रीनिवास कुमार सिन्हा ने 2010 में बिहार सरकार को दिया था। ये रोजाना दिन के 3 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक खुला रहता है। इस समय इस जगह भीड़भाड़ और पर्यटकों के लिए बहुत आनंददायक
जगह है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का दबाएं जिससे अगले वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।